नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 5C। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही बिरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुहावा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जी न उबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी विरजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया, भाई नई दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों का भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपये तो ससुराल से मिले ही थे, जेब खनखना कर बोले, अजी दावत लो, शराबे उड़ाओ, हाँ बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर होगी तो समझेगी कि ये गुंडे हैं। जब से वह घर में आई है मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अल्लम गल्लम सभी घोटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी तो मुंह ताकने के सिवा और क्या करूँगा, इसलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूँ तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौएबाज, गुंडे थे, सब उनके मित्र थे, परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। इनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में अरायजन वीसी किया करते थे। जो कुछ मिलता वह सब शराब की भेंट करते, परंतु दूसरा नंबर हसीब खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ बिलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि साए को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दाव लगाने वाले। स्त्री के गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य का इनका काम था। शेष 2 महाशय राम सेवकलाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी, 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो ये 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। 5 पीने के अभ्यस्त थे, जब नशे का रंग जमा बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम से बतला क्यों नहीं देते, इसमें झेपने की कौन सी बात है? कमला, बतला क्या, अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का संजोग भी तो हुआ हो। कल किवार की दरार से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों में फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस पड़ी समझ लो। मजीद, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नजर हमें भी दिखाओ। सैयद, बेशक दोस्ती के यही माने हैं कि आपस में कोई पर्दा ना रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा, अंग्रेजों को देखो, बीबी डोली से उतरी नहीं यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला, एक धप लगाकर जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला, अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ? चंदूलाल, वाह मेरे शेर, ये ही मर्दों की सी बातें, तो हम लोग बन ठन कर आ जाए क्यों? कमला, जी जरा मुंह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद, तो आज ही ठहरी ना, इधर तो शराब उड़ रही थी। उधर बिरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी कि बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं, यदि वे दिन एक बार फिर आ जाते, आह कैसा मनोहर जीवन था, संसार प्रेम और प्रीति की खान थी। क्या वह कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थी? इन्हीं विचारों में आंखें झपक गई।
और बचपन की ये घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी, उसने उसकी किताब के दो पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली और बाहर भागा। वह रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुबामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? यह बहुत मार मार कर भागता है, आज इसकी खबर लेती हूँ, देखूं कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से बिरजन की ओर देखा। तब बिरजन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे इन्होंने कहाँ मारा, ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह समय अब कहाँ। रात्रि अधिक बीत गई थी, अचानक बिरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना, बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुक जाते फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे बिरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। जी करा करके उठी और महाराजिन को झिझोड़ने लगी। घिघी बंद गई थी, इतने में मिट्टी का एक बड़ा ढेला सामने गिरा। महाराजिन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया, जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर सेंध में से निकाला। महाराजिन घात में थी ही डंडा चला दिया, खटके की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया और यह कहता हुआ सुनाई दिया, उफ मार डाला, खोपरी झन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि आई और तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में और लोग भाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातः काल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराजिन ने निकट जाकर देखा, फिर आकर बिरजन से कहा, बहू एक बात कहूं, बुरा तो ना मानोगी। बिरजन, बुरा क्यों मानूंगी, कहो क्या कहती हो। महाराजिन, रात को सेंध पड़ी थी, वह चोरों ने नहीं लगाई थी। बिरजन, फिर कौन था। महाराजन, घर के ही भेदी थे, बाहरी कोई ना था। बिरजन, क्या किसी कहार की शरारत थी। महाराजन, नहीं, कहारों में कोई ऐसा नहीं है। बिरजन, फिर कौन था, स्पष्ट क्यों नहीं कहती। महाराजन, मेरी जान में तो छोटे बाबू थे, मैंने जो लकड़ी मारी थी वही उनके सिर में लगी, सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही बिरजन की भिरकुटी चढ़ गई, मुखमंडल अरुण हो आया। क्रुद्ध होकर बोली, महाराजिन होश संभाल कर बातें करो, तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आती, तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बातें कहने का साहस कैसे हुआ, साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम्हें यहाँ से खरे खरे निकलवा देती, तब तुम्हें विदित होता कि जीव को वश में न रखने का क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह देखकर जोर सा चढ़ रहा है, तुम्हें इतना न समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूँ। उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है, सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है, मैं स्वयं उनकी चेरी हूँ, उनके संबंध में तुम ऐसी बातें कह बैठी। परंतु जिस बात पर बिरजन इतना क्रुद्ध हुई, उस बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची, वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे जितना वह था। भय हुआ कि कहीं वह महाशय बहू के गहनों पर न हाथ बढ़ाए, अच्छा हो कि इन्हें छात्रावास में भेज दे। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोच कर छात्रावास चला गया। बिरजन के आगमन से पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक भी न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था जो अब की बार उसे छात्रावास ले गया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान। धन्यवाद।